क्लास वन ज्वाइन योर ऑनलाइन क्लास फास्ट। फास्ट ज्वाइन कीजिए क्लास को। यस श्रेयस, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग श्रेयस, वेरी गुड मॉर्निंग। फास्ट ज्वाइन कीजिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए सर। यस लोकेश, वेरी गुड मॉर्निंग लोकेश। आज श्रेयस के बाद आप अटेंड किए हैं क्लास को, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। यस आरिका, वेरी गुड मॉर्निंग आरिका, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आरिका कल आपका बर्थडे? हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? यस शिवम, वेरी गुड मॉर्निंग। श्योर, इशोद, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन शिवम, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हो? ओ योर बर्थडे इज ऑन 24 दिसंबर, तो अभी से आप इतने एक्साइटेड हैं। कल तो आप हमसे बर्थडे विश भी करवा लिए हैं ना। अच्छा चलिए, एडवांस मेरा वो आपका बर्थडे विश। इशू कैंगियर्स, या आपका नाम जो भी है, इतना इशू हम बोल सकते हैं आपको। चलिए शिवम, बहुत अच्छे। अब इशू इतना बड़ा सा नाम अगर मैं बोलूंगी तो फिर हमको बार बार याद नहीं रहेगा। अभी हम लोग का लाइव क्लास चल रहा है, ठीक ना? तो कार्तिक, वेरी गुड मॉर्निंग कार्तिक। ओके इशू, तो ओके नी, यस अब यस इशू, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग अभी लाइव क्लास में इशू ही बोलेंगे, ठीक ना? इतना वो पूरा नाम बोलेंगे तो फिर हमको उतना ध्यान नहीं रहेगा, ठीक ना? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू माई लाइव क्लास। आई एम योर सोनी मिस एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, चैप्टर 7। दिस इज योर नॉर्मल कोर्स, चैप्टर 7 ए एंड दी। आज हम लोग ए एंड दी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक ना? आज हम लोग ए एंड दी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस्टरडे यू फिनिश योर चैप्टर 6, कल हम लोगों ने चैप्टर 6 को फिनिश किया था। जो नवंबर कोर्स में, नवंबर मंथ, यू हैव टू रीड टू चैप्टर्स, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। एंड इन स्पेलिंग बुक यू हैव टू रीड 30 पेज नंबर 31 एंड 32। दो पीछे का पेज नंबर जो था वो अक्टूबर कोर्स था, जिसको हम लोगों ने फिनिश कर लिया अक्टूबर में। हम लोग अक्टूबर नवंबर कोर्स के हम लोग को स्पेलिंग को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर 6 तो कल हम लोगों ने फिनिश कर लिया, और आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर व्हिच इज चैप्टर 7 ए एंड डी। आज हम लोग ए एंड डी को पढ़ेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ए एंड डी। ये ए एंड डी जो होता है स्टूडेंट,
वो एक्चुअली में इसको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक ना। ये जो होता है वो आर्टिकल्स होता है, ए एंड दी जो है वो आर्टिकल्स होता है, ठीक। ये होता है हमारा आर्टिकल्स होता है, ए एंड दी को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो होता है ए, इसको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, ए आर टी आई सी एल ई एस, इसको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, ए आर टी आई सी एल ई एस। ये जो होता है हमारा वो आर्टिकल्स होता है। कार्तिक, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32, यू हैव टू ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 32, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32। आज हम लोग पेज नंबर 32 को करने जा रहे हैं, ओके। पेज नंबर 32, ए एंड दी, दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, यस शिवम यू आर राइट, इसको हम लोग आर्टिकल्स ही बोलते हैं, ठीक ना। जो आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, एक तो होता है हमारा डिफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल्स। दे आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ये आपके बुक में एक्चुअली नहीं है, आप क्लास वन में है तो आपको बहुत इजी वे में समझाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन आप जब आप जूनियर क्लास में जाएंगे तो आप ये सीनियर सॉरी सीनियर जब आप क्लास में जाएंगे, जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपको पढ़ना होगा आर्टिकल्स के बारे में, डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, ठीक ना। तो अभी तो हम लोग क्लास वन में है तो अभी हम लोग इतना ही जान लेते हैं, ए एंड दी का यूज कैसे किया जाता है। एक्चुअली में ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स, जिसमें जो है स्टूडेंट हम लोग ये हमारा ए और एन जो होता है वो ये डिफिनिट आर्टिकल, जो होता है द जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल ए आर टी आई सी एल ई आर्टिकल, एंड ए एंड को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, इनडिफिनिट। ठीक ना, दे आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यस। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, वन इज डिफिनिट एंड सेकेंड इज इनडिफिनिट। जिसमें डिफिनिट को जो है वो द जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है, द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल, एंड एंड इज कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। ये आपके बुक में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक ना। लेकिन आप लोग जान लीजिए, आप लोग जब सीनियर क्लास में जाइएगा तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग आते हैं बुक पे, ठीक ना। अब हम लोग बुक पे आ जाते हैं, बुक पे। अब है कि ए एन यूज ऑफ एंड दी, ए एंड और दी का आज हम लोग यूज पढ़ेंगे। इसको कैसे यूज किया जाता है, हाउ कैन वी यूज एंड। पहले तो फर्स्ट वी नो अबाउट हाउ कैन वी यूज एंड का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, तो देख लीजिए आप। ए इज यूज बिफोर बिफोर वर्ड्स वर्ड्स दैट ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद, बिगिन मीन स्टार्ट होना, बिगिन विद विद
कौन सुने? ओ एन एस ओ एन ए एन टी, सी ओ एन सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी, कौन सुने साउंड्स? कौन सुने साउंड्स? तो चिल्ड्रन, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कॉन्सोनेंट? सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी, कॉन्सोनेंट। ठीक ना चिल्ड्रन, कैन यू टेल मी हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में कितने वॉवेल्स होते हैं? यस श्रेयस, तो चिल्ड्रन कैन यू स्टूडेंट कैन यू टेल मी हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में कितने वॉवेल्स होते हैं आप जानते हैं? जल्दी से बता दीजिए कितने वॉवेल्स होते हैं। यस श्रेयस, वेरी गुड। बाकी सारे इसमें जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, कितने सारे वॉवेल्स होते हैं ये बता दीजिए हमको आप लोग पहले। यस शिवम, वेरी गुड शिवम। श्रेयस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी से टाइप कर दीजिए। यस कार्तिक, फाइव वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं बता दीजिए हमको। फाइव वॉवेल्स में कौन कौन से होते हैं? यस कार्तिक, दे आर फाइव वॉवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर। दे आर फाइव वॉवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने वॉवेल्स होते हैं? फाइव होते हैं, ए आई ओ यू। दे आर फाइव वॉवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर। और बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं ए टू जेड में, फाइव वॉवेल्स होते हैं। ठीक ना? यस लोकेश, यस। तो ए टू जेड में 26, ए टू जेड में फाइव वॉवेल्स होते हैं, ए आई ओ यू, ये फाइव वॉवेल्स होते हैं। बाकी जितने भी लेफ्ट बचे होते हैं वो क्या होते हैं? वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वही कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। फाइव वॉवेल्स होते हैं, ए आई ओ यू, इसमें ए आई ओ यू में वी यूज एन। ए आई ओ यू में हम लोग एन यूज करते हैं। ए आई ओ यू से पहले हम लोग एन का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट से पहले जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट वाले लेटर होते हैं उनसे पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझिएगा, देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे हमारा बॉल है, बॉल, बी ए डबल एल, बॉल। बॉल इज बी। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेटर देखेंगे, बी देखेंगे, बी। वी विल सी अ फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड हियर। बी इज कॉन्सोनेंट, बी इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज हियर ए। बी इज कॉन्सोनेंट, सो हम लोग यहाँ पे ए लिख देंगे, ए बॉल। किसी भी वर्ड का हम लोग फर्स्ट लेटर देखेंगे, यहाँ पे बी है, बी जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स के होते हैं उनसे पहले हम लोग ए का यूज करेंगे, ए बॉल इसका। और हम लोग जानेंगे कैसे, बी देखेंगे। तो बी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। ठीक ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए हाउस है, एच ओ यू एस ई। ये क्या है? ये एच क्या है? हेयर एच इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज हेयर ए हाउस, ए हाउस। ठीक ना? ए का यूज करें, ए हाउस। ठीक, हेयर वुमेन। ए देन हेयर क्लॉक, क्लॉक, सी एल ओ सी के, क्लॉक। हेयर सी इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए बिफोर क्लॉक। क्लॉक से पहले हम लोग ए का यूज करेंगे, ए क्लॉक। वेरी गुड, बहुत सारे, बहुत अच्छे। तो ये शिवम बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, कार्तिक, श्रेयस, ये सब बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छा लोकेश, लोकेश का भी बहुत अच्छा आंसर जा रहा है, वेरी गुड।
तो हम लोग जान रहे हैं कि ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स के होते हैं उससे पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉल, ए हाउस, ए क्लॉक, ठीक ना। हेयर हेयर इज बुक, ए बुक, ए बुक। हेयर इज अ बॉटल, सो वी यूज ए बॉटल, ठीक ना। हम लोग ए यहाँ पे बॉटल, हम लोग बॉटल का यूज ए करेंगे इसमें यूज, ठीक ना। बी फॉर बॉटल होता है, बी कॉन्सोनेंट होता है, तो उससे पहले हम लोग ए का यूज करें, ए बॉटल, ठीक ना। यहाँ पे आपका पर्स है, पर्स है, तो पर्स से ही पहले हम लोग ए पर्स लिखेंगे, ठीक ना। आई हैव अ पर्स, नॉट हम लोग एंड यूज नहीं करेंगे, आई हैव अ पर्स ये बोलेंगे, मेरे पास एक पर्स है, तो ए का यूज करेंगे, क्योंकि पी जो है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, ठीक ना। यस शिवम, लोकेश, तो हम लोग बहुत अच्छे, लोकेश आज आप बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं क्लास को और पहले से आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, यस बहुत अच्छा। और मैं आपका नाम भी अब मुझे याद हो गया है, आप एक दो दिन टाइम पे क्लास अटेंड किए, मैं आपका नाम याद हो गया है, ठीक ना। तो आप ऐसे ही क्लास अटेंड कीजिए। हम लोग इससे पहले पर्स है, हियर इज अ पर्स इन माई हैंड, एंड वी यूज ए बिफोर पर्स, ओके। सो श्रेयस, बहुत अच्छा आपका भी हो रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा आप दे रहे हैं। अब देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जैसे है यहाँ पे, और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये क्या है स्टूडेंट, वट इज दिस, वट इज हेयर, वट इज इन माई हैंड, टेल मी वट इज इन माई हैंड, टेल मी फास्ट। ए पेन, वेरी गुड श्रेयस, ए पेन, यहाँ पे ए का यूज करेंगे, ए पेन, ठीक ना। यहाँ पे ए पेन का, ए पेन है तो ए पेन का यूज करेंगे। वट इज दिस, वट इज दिस, टेल मी क्या यूज करेंगे इसमें, टेल मी। यस शिवम, लोकेश, हम लोग ए पेन बोलेंगे, आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, ठीक ना। तो उसमें पी जो है वो कॉन्सोनेंट है। यस शिवम, ए डस्टर, हम लोग ए डस्टर बोलेंगे, क्योंकि डी क्या है, बिकॉज डी कॉन्सोनेंट है, सो वी यूज ए बिफोर डस्टर, हम लोग डस्टर से पहले ए का यूज करेंगे, ए डस्टर, ठीक ना। यस वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक ना। तो हम लोग वहां पे ए का यूज करेंगे, तो आप लोग जान गए, ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले वर्ड्स हैं उनसे पहले हम लोग ए का यूज करेंगे, ए बुक, ए पेन, ए डस्टर, ए हाउस, एंड अ बॉल, ओके, अ क्लॉक, ये सब में हम लोग ए का यूज करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड। अब हम लोग एंड देख लेते हैं, एंड, एंड का यूज हम लोग कैसे करेंगे। एंड एंड इज यूज, एंड इज यूज बिफोर बिफोर वर्ड्स दैट दैट वर्ड्स दैट begin with vowel sound, vowel sounds, ठीक ना। अब हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग ए का यूज करेंगे और वॉवेल से पहले हम लोग एंड का यूज करेंगे। यस आरिका, यस आपका आंसर सही आरिका, और श्रेयस का भी आंसर सही है, वेरी गुड श्रेयस। तो हम लोग एंड का यूज करेंगे, एंड इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉवेल साउंड। बिगिन मतलब शुरुआत, स्टार्ट होना, ठीक ना। बिगिन मतलब स्टार्ट होना, शुरू करना, शुरुआत होना, ठीक ना। तो जो भी वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, तो वॉवेल्स क्या होते, कितने होते हैं वॉवेल,
वॉवेल होते हैं, दे आर फाइव वॉवेल्स, ठीक ना, ए ई आई ओ यू, फाइव वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और इससे पहले हम लोग क्या का यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, वॉवेल से पहले हम लोग एंड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन, आई हैव, आई जो है आई, ई वाई ई आई, आई से पहले हम लोग एन का यूज करेंगे, ठीक ना। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला स्टार्टेड विथ लेटर यू, तो यू से पहले हम लोग एन का यूज करेंगे, एन अम्ब्रेला। यस लोकेश, यस लोकेश, यस। तो आप लोग जान रहे हैं, तो देख लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, ये देख लेते हैं डेफिनेशन। एन, एन इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ वॉवेल साउंड, जो भी वर्ड्स वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं उसमें हम लोग एंड का यूज करेंगे, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल, एग, एग है यहाँ पे, एग, एग। तो एग से पहले हम लोग क्या का यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग एंड का यहाँ पे लिख ही देते हैं, एंड और ये एग, देख लेते हैं फिगर से, नहीं आप लोग को फिगर तो देख लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, तब ज्यादा आप बेटर से समझिएगा, एग, एग। अब यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट लेटर क्या है, ये आपका ई है, ई इज वॉवेल, ए आई ओ यू, ई इज वॉवेल, सो वी यूज एंड बिफोर एग, वी यूज एंड बिफोर एग, एग से पहले हम लोग एंड का यूज करेंगे, बिकॉज हियर ई इज वॉवेल, ई वॉवेल है, तो इसलिए हम लोग एंड का यूज करेंगे, इसको पढ़ेंगे एंड एग, एंड एग। जैसे आप एंट है, ए एंड टी, हम लोग फर्स्ट लेटर देखेंगे, फर्स्ट क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे हम लोग एन का यूज करेंगे, एन एन एंड, ठीक ना, बिकॉज हेयर ए इज वॉवेल, तो हम लोग एंट, एंड एंट बोलेंगे, ए एंट बोलेंगे तो गलती हो जाएगा, एग बोलेंगे तो गलती हो जाएगा, तो हम लोग को एन एग बोलना है, एन एंट बोलना है, ठीक ना। यस श्रेयस, यस कार्तिक, श्रेयस, लोकेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं और समझ रहे हैं ना, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ रहे हैं ना, कोई डाउट है आप लोगों को? चल अब देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर यहाँ पे एलिफेंट लिखेंगे, ई एल ई पी, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट, हेयर ए इज वॉवेल, सो वी यूज एंड बिफोर वॉवेल, एन एलिफेंट, ई एल ई पी एच एन एलिफेंट, एन एग, एन एंट, एन एलिफेंट, ठीक ना, तो हम लोग एन एलिफेंट। यस लोकेश, ओके लोकेश, वेरी गुड। शिवम, सॉरी शिवम, बहुत अच्छा। लोकेश, कार्तिक भी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, श्रेयस बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा से आंसर कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग समझ रहे हैं, एन एग होगा, एन एंट होगा, एन एलिफेंट हो जाएगा, ठीक। यस, तो हम लोग एन का यूज कब करेंगे, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉवेल साउंड, जो भी वॉवेल साउंड से वर्ड स्टार्ट होते हैं उसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं, जो भी वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। यस एन एप्पल, वेरी गुड कार्तिक, एन एलिफेंट, बहुत अच्छे, आप लोग भी बहुत सारे एग्जाम्पल सोच के बोल सकते हैं, बुक से बाहर का एग्जाम्पल आप लोग सोच के बोल सकते हैं, बताइए हमको बुक से बाहर का एग्जाम्पल, आउट ऑफ बुक एग्जाम्पल बताइए हमको, जल्दी चलिए फास्ट टाइप कीजिए, आप थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए आप लोग, फटाफट थोड़ा सा याद कर करके हमको बताइए, थोड़ा सा एग्जाम्पल और बुक से बाहर का एग्जाम्पल दीजिए हमको। यस एन ऑस्ट्रिच, वेरी गुड श्रेयस, बहुत अच्छा, चलिए श्रेयस ने एक एग्जाम्पल दे दिया, और बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी से एग्जाम्पल दीजिए आप लोग। यस श्रेयस, एन इग्लू, बहुत अच्छा श्रेयस, के एकदम माइंड में एकदम आ रहा है एग्जाम्पल सब, बहुत अच्छे श्रेयस। यस आरिका, एन आउल, यस शिवम, एन आयरन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस बहुत अच्छा, आप लोग एग्जाम्पल याद करके और बता रहे हैं। यस आरिका, एन ए एन, ये कार्तिक इग्लू बोल रहे हैं, श्रेयस एन एग्जाम्पल, यस। तो बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रही हूँ, यस
एंड ईगल, यस शिवम, योर आंसर इज करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट, आप सभी बहुत अच्छा से आंसर कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग बुक से बाहर अपने मन से सोच सोच के आंसर दे रहे हैं। यस लोकेश, यस कार्तिक, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मैम की बातों को समझ रहे हैं। यस राहुल, हम लोग जो मिड टर्म से पहले जो हम लोग पढ़े हैं, मिड टर्म से पहले जो हम लोगों ने कोर्स पढ़ा है वो फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, फाइनल एग्जाम में आफ्टर मिड टर्म के बाद जो कोर्स होगा, ठीक ना, आफ्टर मिड टर्म के बाद जो कोर्स होगा वो आएगा हम लोग को, ठीक ना, एग्जाम में हम लोग को वही पूछा जाएगा। यस आरिका, योर आंसर इज राइट। कार्तिक, कार्तिक मंकी, तो मंकी तो कार्तिक एम से स्टार्ट है, यहाँ पे तो एन यूज नहीं होगा, कार्तिक मंकी तो स्टार्ट है विथ लेटर एम, एन आइसक्रीम, यस यस श्रेयश, लोकेश एंड ऑक्टोपस, यस वेरी गुड ऑक्टोपस, यस योर आंसर, चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग बुक से बाहर का एग्जाम्पल सब सोच सोच के और लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, आप लोग ही टाइप कर रहे हैं ना, कि घर पे और मतलब पेरेंट्स टाइप कर रहे हैं, या आप लोग ही टाइप कर रहे हैं ना, या भैया दीदी कौन टाइप कर रहे हैं। यस यस शिवम, तो मोबाइल तो चार्ज में रखना चाहिए, सोनी मिस का क्लास आप लोग मिस कर जाइएगा फिर ना, मोबाइल तो चार्ज में रखते आप, ठीक ना, तो मेरा क्लास तो आप मिस कर जाइएगा ना। यस लोकेश, यस एंड एंड एरोप्लेन एंड आइसक्रीम, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा लोकेश, तो श्रेयश एंड एलिगेटर, बहुत अच्छे, तो आप लोग बहुत अच्छा से आंसर कर रहे हैं और समझ रहे हैं मेरी बातों को, वेरी गुड। ए बटरफ्लाई, कार्तिक ए बटरफ्लाई, नॉट एन बटरफ्लाई, बी इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज हियर ए बटरफ्लाई एंड ऑरेंज, यस आरिका, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज वन कर लेते हैं सॉल्व, ठीक ना, चलिए आप समझ रहे हैं। यस यस लोकेश, हाँ यस ठीक है, ये ठीक है कार्तिक, देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, हम लोग एक्सरसाइज वन पे आ जाते हैं, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 हम लोग देख लेते हैं, पेज नंबर 33, चलिए एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज वन आप लोग हमको बताते चलिए, क्लॉक से पहले क्या होगा, क्लॉक से पहले, वेरी गुड श्रेयस, बहुत अच्छे, ए क्लॉक, और श्रेयस हम लोग इससे पहले पूरा इसमें हम लोग जो है श्रेयस वो हम लोग ए और एन जो वो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन यहाँ पे स्मॉल में लिखा गया है, ठीक ना, अगर कैपिटल यहाँ पे रहता है हमारे इसमें क्वेश्चन में तो हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे है तो ए क्लॉक हम लोग स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। यस कार्तिक ए क्लॉक, वेरी गुड ए क्लॉक, सेकेंड सेकेंड इज एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, E L E P H A N T, elephant, an elephant, ठीक ना, an elephant, ठीक, an elephant, ठीक ना, an elephant, third, चलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, इसमें कैपिटल स्मॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज कर सकते, यस यहाँ पे एन एप्पल हो जाएगा, एन एप्पल,
an apple. Four is a butterfly. 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 ठीक ना? A clock, an elephant, an apple, a butterfly. Okay. तो हम लोग yes लोकेश आरिका श्रेया ये जैनब जैनब श्रेयान जैनब एंड कार्तिक सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग. वेरी गुड, बहुत अच्छे. यश श्रेयान एंड एप्पल, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग का आंसर जा रहा है. ठीक ना? एक्सरसाइज टू. ठीक ना? अब एक्सरसाइज टू जो है स्टूडेंट, एक्सरसाइज टू, यस एक्सरसाइज टू हम लोग देख लेते हैं. कंप्लीट दी सेंटेंस विद ए और एन. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ए कैपिटल भी लिखेंगे जहां पे सेंटेंस का स्टार्टिंग हो रहा है, फुल स्टॉप जहां पे होता है. राहुल ये तो आपको मैसेज आ जाएगा, ये तो अभी हम लोग कंफर्म नहीं है इसमें, ये आपका मैसेज आ जाएगा. ठीक ना? डोंट वरी, आप अभी तो पढ़ाई पे एकदम ध्यान दीजिए एकदम. ठीक ना? और अभी तो एनुअल एग्जाम का भी बात तो हो ही नहीं रहा है अभी, तो इसलिए आप लोग जो है सो पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए जल्दी से. चलिए तो चिल्ड्रन यहाँ पे आप स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट द सेंटेंस विथ ए और एन, एंड ए और एन से स्टार्ट होगा. ठीक ना? इसको हम लोग के पास टाइम लगता है कम है, देख लेते हैं कितना तक हो पाता है. हम कल हम लोग फिर इसको स्टार्ट करेंगे, फिर पढ़ेंगे. ठीक ना? तो कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद ए और एन ये हम लोग कल पढ़ेंगे लगता है. ठीक ना? देख लेते हैं एक बार टाइम क्या है. एक्सरसाइज टू हम लोग यहाँ पे ए जो है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस है. ए मंकी लिव्ड ऑन ए ट्री, और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. ठीक ना? ये सब आप लोग को पता है. फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल रहता है और लास्ट में पंक्चुएशन साइन का यूज किया था, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए मंकी लिव्ड ऑन अ ट्री. ठीक ना? ए मंकी लिव्ड ऑन अ ट्री. ठीक ना? यस. Lived on a tree. A monkey lived on a tree. B. Can you give me a pen? Pen, can you give me a pen, please? Can you give me a pen, please? P-L-E-A-S-E, please. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो, प्लीज. तो जब हम कुछ तो यहाँ पे हम प्लीज का इसलिए यूज किए हैं, तो यहाँ पे पेन जो है वो पी जो है वो कॉन्सोनेंट है, सो वी हेयर यूज ए. यहाँ पे ट्री कॉन्सोनेंट है, हम लोग ए का यूज करेंगे. मंकी कॉन्सोनेंट, हम लोग ए का यूज करेंगे. ठीक ना? उसके अनुसार सी में यूज करेंगे ए ग्रास होपर एंड एन एंड मेट इन अ फार्म. ठीक ना? ए ग्रास होपर एंड एन एंड मेट इन अ फार्म. ठीक ना? थर्ड सी हम लोग देख लेते हैं. ए ग्रास होपर,
एक ग्रास हॉपर एंड 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 मेट इन ए फार्म. And grasshopper and met in a farm. एक grasshopper और and जो है वो farm में मिले, ठीक ना. Met मतलब होता है मिलना, ठीक ना. Time तो हो गया लेकिन भर लेते हैं, fill up कर लेते हैं, ठीक ना. तो हम लोग यहाँ पे एक grasshopper and met in a farm, ठीक ना. ये हम लोग use करेंगे C में, ठीक ना. डी में हम लोग यूज करेंगे एन आउल एंड ए कैट वेंट टू द सी. ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना. तो स्टूडेंट कल हम लोग जो है सो कल हम लोग फिर इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे. ओके श्रेयश, देख लेते हैं, ठीक ना. यस श्रेयश, आपका आंसर सही है. कल हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक ना. कल आप लोग फटाफट आज जितने जल्दी स्टार्ट आप लोग किए हैं उतने ही जल्दी आप लोग कल फिर से और एकदम लाइव हो जाइएगा. कल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर्स को, ठीक ना. नेक्स्ट पेज नंबर को इसको फिनिश करेंगे और हम लोग को पीडीएफ जो आप लोगों का है वो सेंड कर दिया जाएगा. और आप अच्छे राइटिंग में, सुंदर हैंड राइटिंग में अपने बुक को आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, ठीक ना. आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे से मैम के बातों को सुनते हैं और आंसर करते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, ठीक ना. आप लोग कल जल्दी जल्दी ऑनलाइन हो जाइएगा, एकदम लाइव हो जाइएगा, ठीक ना. बाय, एकदम अच्छे से आप लोग रहिए घर पे और पढ़ाई कीजिए साथ में, ठीक ना.